1 अक्टूबर 2018 को एक डबल मर्डर की घटना हुई थी, जिसमें दो लोगों की हत्या की गई थी और अगले दिन 2 तारीख को उसकी बॉडी मिली, दोनों लोगों की बॉडी मिली थी। उस प्रकरण में एक अभियुक्त जो बचा हुआ था, 50,000 रुपये का उसके ऊपर इनाम था, उसकी गिरफ्तारी हुई है और एक तमंचा मौके से बरामद हुआ है। ये हत्या पैसे के लेन देन को लेकर और की गई थी। थाना ग्रेटर नोएडा थाना प्रभारी द्वारा ये जो है गिरफ्तारी की गई। नहीं तो सर, जो जिनकी हत्या की गई थी महेश और बब्बल की, उनका इससे क्या रिलेशन था, कितने पैसे का लेन देन था? देखिए, पैसे का लेन देन तो बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं था, लेकिन इनका आपस में उसी को लेकर झगड़ा हुआ था। इनकी जान पहचान थी, अपने दो साथियों के साथ मिलकर ये अभियुक्त हत्या में शामिल था और SO5 द्वारा इसकी गिरफ्तारी की गई। हत्या कैसे की गई और बॉडी कहाँ डिस्पोज़ की? ये अगले दिन बॉडी रिकवर हुई थी और इसमें कानून व्यवस्था संबंधी भी समस्या आई थी। ग्रामीणों ने जाम मार्ग वगैरह लगाया था। सेंसेशनल इसमें डबल मर्डर हुआ। सर, कैसे हत्या कैसे की गई थी? हत्या इनकी गोली मार के जो हत्या की गई थी और उसमें मारा भी गया था, पीट पीट के लाठी डंडों से भी काफी मारा गया।